वेलकम बैक टू द वीडियो। और वीडियो में बात करें डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कैसे करें, फिर इंस्टाग्राम पर डिलीट हुए अकाउंट को वापस कैसे लाए, यानी डिलीट इंस्टाग्राम आईडी को वापस कैसे लाए। जी हां गाइस, आप में से सबसे पहले होते हैं जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं एंड ना ही उनको वो मोबाइल नंबर पता होता जिस पर उन्होंने वो आईडी बनाई थी, ना ही उनको जीमेल आईडी याद होती, जिसकी वजह से वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा भाई कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, यानी कैसे आप अपने डिलीट हुए इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले को ओपन लेता हूं। आप यहां पर देखें, मैंने शाम को ओपन कर लिया भाई। जैसे आप शाम को ओपन कर लेते हो, शाम को ओपन करने के बाद अब गाइस जैसे आप यहां पर सर्च बार में तो सर्च बार में आने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अपने उस अकाउंट को सर्च करता हूं। ठीक है, आप में इसका सर्च बंदे से होंगे जिनको मतलब यूजर नेम भी नहीं पता होगा, तो आपको यूजर नेम कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले यहां पर आप देखिए, मैं जैसे अपने उस अकाउंट को सर्च करता हूं, यहां पर जो ना वो अकाउंट सर्च में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड सेम यूजर नेम मैंने उस अकाउंट का रखा था। मैं यहां पर आपको लाइव उस अकाउंट को रिकवर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपके साथ मतलब कुछ ऐसा सीन है कि आपको मतलब यूजर नेम पता नहीं है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सिंपली सबसे पहले यहां से इंस्टाग्राम को हटा देना है। इंस्टाग्राम को हटाने के बाद आपको सिंपली गूगल को ओपन करना है। आप यहां पर देखिए, मैं जैसे जैसे बताऊं आपको मतलब सेम चीज करनी है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली सर्च बार में आना है। जैसे आप सर्च बार में जाएंगे उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है रिकवर डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। यहां गए आपको सिंपली ये सर्च कर देना है, सेम चीज आपको लिखनी है। जैसे आप लिख के सर्च कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको टॉप में एक वेबसाइट मिलेगी, डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर। हो सकता है कि ये ऊपर नीचे आए, लेकिन आपको ध्यान रहे आपको इंस्टाग्राम वाली वेबसाइट पे ही आना है। ठीक है, यानी डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट करके ये है, तो आपको करने गया आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको करने गया भाई, आपको सिंपली यहां पर कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको मिलेगा विजिट दिस पेज, तो आपको करने गया आपको सिंपली विजिट दिस पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद ये आपको आपका इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, यानी कि आपकी इंस्टाग्राम ऐप सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में मिलता है माई अकाउंट वाज हैक, दूसरा यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, यानी यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आपका अकाउंट रिकवर करने के लिए काफी सारे ऑप्शन दे देता है। आपको करने के आपको सिंपली माई अकाउंट वाज डिसेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर माई अकाउंट वाज डिसेबल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए यहां पर लिखा है एंटर योर यूजर नेम फोन नंबर और ईमेल सो वी कैन आइडेंटिफाई योर अकाउंट, यानी कुल मिला के इसका मतलब है कि यहां पर आप तीन चीजों से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला यूजर नेम, दूसरा यहां पर फोन नंबर, तीसरा यहां पर ईमेल। अब अगर आपको यहां पर यूजर नेम याद नहीं है तो यहां पर आपको फोन नंबर पता होना चाहिए, अगर आपको यहां पर फोन नंबर नहीं पता है तो यहां पर आपको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ना तो ईमेल आईडी याद है, ना ही आपको फोन नंबर याद है एंड ना ही आपको यूजर नेम याद है, तो आपको मतलब करना क्या भाई, आपको सिंपली अपने दोस्त की इंस्टाग्राम आईडी में जाना है। आपने मतलब कभी ना कभी अपने दोस्त को तो फॉलो किया ही होगा या फिर मतलब उसके पास रील वगैरह सेंड की होगी, तो आपको वहां पर आपका यूजर नेम मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपकी आईडी जिस भी यूजर नेम से बनी होगी वो यूजर नेम वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आपको करने गए आपको वो यूजर नेम कॉपी कर लेना है वहां से एंड यहां पर आपको वो लिख देना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे मेरा तो यूजर नेम याद है। जैसे आप यूजर नेम लिख देंगे, यूजर नेम लिखने के बाद अब यहां पर आपको करने गया भाई, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपके उस अकाउंट से जो भी ईमेल आईडी या फिर मतलब जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा ना वो यहां पर आपको शो कर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे उस अकाउंट में ईमेल आईडी तो ऐड है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि भाई वो कौन सी ईमेल आईडी थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए यहां पर इसने ईमेल आईडी भी दे दी है, लेकिन ये मतलब पूरी ईमेल आईडी नहीं दिखाएगा। आपको करने गया आपको सिंपली इस पर टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद यहां पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर ये आपसे ओटीपी मांगता है। अब ओटीपी कहां पर जाएगा, अगर देखिए अगर आपने मतलब यहां पर मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया होगा तो देखिए आपके मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी जाएगा। साथ ही अगर आपने अपनी ईमेल आईडी को ऐड कर रखा होगा, फिर आपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट किया होगा, तो यहां पर आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, वो ईमेल आपको कैसे मिलेगा, आप यहां पर देखिए यहां पर ऊपर की तरफ एक जीमेल आईडी शो कर रही है। ठीक है, एंड इसके स्टार्टिंग में ऐसे एंड लास्ट में जीरो, यानी यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। साथ ही हमें यहां पर एक मेल आ चुका है, आप यहां पर देखिए सेम ईमेल आईडी है एंड यहां पर इसमें स्टार्टिंग में ऐसे एंड लास्ट में जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस ईमेल पर क्लिक कर देंगे, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा यहां पर आप, या फिर यहां पर आप अपने जीमेल ऐप को ओपन करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हो। ठीक है, आप यहां पर देखिए यहां पर ओटीपी आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। इस तरह से यहां पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहां पर आपको वापस जाना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपको सिंपली उसको यहां पर लिख देना है या फिर यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म कर देंगे, यहां पर आपको करने गया आपको सिंपली यहां पर अपना नया पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको पासवर्ड याद नहीं था, अब इंस्टाग्राम ने आपको खुद बोल दिया कि भाई अब आप अपना नया पासवर्ड बना लो, क्योंकि हमने आपका अकाउंट वेरीफाइड कर दिया है ओटीपी से। ठीक है, तो आपको करने गया आपको सिंपली यहां पर नया पासवर्ड बना लेना है। गाइस जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने पासवर्ड बना लिया, यहां पर आपको टॉप में जो लाइन है उसमें भी आपको सेम पासवर्ड लिखना है।
करना है एंड नीचे की तरफ भी यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड लिखना है जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। एंड इतना करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी ये आईडी लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, साथ ही मतलब पहले सर्च में भी नहीं आती लेकिन अभी के टाइम में सर्च में भी आएगी। भाई जैसा कि आप यहाँ पर लाइव प्रूफ दे सकते हो, ये आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर ये आईडी पहले सर्च में नहीं आती, लेकिन जैसे अब यहाँ पर मैं इस आईडी को सर्च करता हूँ, आप यहाँ पर देखें जैसे मैंने यूजर नेम को सर्च किया तो यहाँ पर ये आईडी आ गई, ठीक है। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर आप अपने डिलीट हुए अकाउंट को वापस ला सकते हो, फिर रिकवर कर सकते हो। सो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।